गुड मॉर्निंग। और ये इधर खड़ी है ये स्कूटी, यार यहाँ खड़ी रहती है, कोई पूछता भी नहीं है इसको। तो चलो आज चलते हैं करोल बाग। वैसे तो अपने हैरियर में कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं मॉडिफिकेशन की, लेकिन तब पर भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ करवाया जा सकता है। धूल पोछ के तो अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी हो चुकी है। चलो भैया देखते हैं कि क्या आज करवाते हैं और किसके यहाँ से करवाते हैं, क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं अब दिल्ली NCR शिफ्ट हो गया हूँ, तो चलते हैं देखते हैं किससे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं और क्या करवाना है। अब यार ये दिल्ली का जो ट्रैफिक है ना, ये अभी मेरठ एक्सप्रेसवे पे थे वहाँ तो भैया आराम से आ गए, लेकिन अब ये प्रगति मैदान वाले अंडरपास पे निकलेंगे। ये देखो आप यहाँ पे, अगर आप इस मीटर पे देखो तो यहाँ 5G का नेटवर्क दिखा रहा है, लेकिन अभी जाएंगे तो इस टनल की ख़राबी है, भैया यहाँ नेटवर्क चला जाता है। वन वे है भाई, टनल के अंदर भी लोग मान नहीं रहे, रेस लगाए पड़े फटाफट निकलने का। तो देखो 5G से 4G आ गया, अभी नेटवर्क बीच में ऑलमोस्ट गायब भी हो जाएगा। प्रॉब्लम होती है यहाँ प्रगति मैदान वाले अंडरपास में। चलिए अब देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है अपने को करोल बाग पहुँचने में, क्योंकि अभी 11 किलोमीटर बचे हुए हैं और 36 मिनट दिखा रहा है, और असली ट्रैफिक वाला जो इलाका है करोल बाग का वो तो पूरा बचा ही हुआ है। अभी करोल बाग आ गए हैं और यहाँ पे सारे कार मॉडिफिकेशन की शॉप है। अपने जो बात कर रखी है वो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में बात कर रखी है। ये यार डिले हो गए अपन आने में, नहीं तो यहाँ सुबह ही आने लायक है। ये आ गया ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम लिखा हुआ है, चलते हैं यहाँ पे, मिलते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मॉडिफिकेशन करवाया जा सकता है। एक तो आपकी चार सेम इसी डोर पे लगेगी, क्योंकि ये पहले लगवा रखा था ना, ये बड़ी बेकार होती है पाइप वाली, बेकार होती है, निकल जाएगी ऐसे करके निकल जाएगी। ये लग जाएगी दूसरी, प्लस जो डैशबोर्ड पे लगेगी वो आपकी यहाँ लगेगी, ये उतर जाएगी, और उतना ही इसके साथ में छोटा पार्ट है यहाँ पर, मतलब पार्ट है वो यहीं लगेगा, वो लग जाएगी, मतलब जैसे लगी थी ये इस जगह पे यहाँ पे आ जाएगी, और बाकी चार कहाँ लगेगी? बाकी चार ये लगेगी जहाँ से ये लग रही है सेम। नहीं नहीं ये तो लग गई, 10 पीस है ना, 6 तो इधर हो गए, दो आपके पैरों पे आ जाएगी, तो उधर हो जाएगी, चारों सीट के नीचे हो जाएगी। ठीक है भाई, भाई सब खुल रहा है सब, ये भाई पूरा खुल चुका है। ये हाइपर सोनिक की 10 पीस वाली लाइट डल रही है अपना। ये हो गई भाई प्रॉपर फिटिंग, और इससे ये अंदर पूरा चला गया, अब ये हाथ में नहीं लगेगा, ना निकलेगा। तो चलो जी भैया अपनी एम्बिएंट लाइटिंग लग गई है, और मैंने बोला था मैं आया था ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे, और ये कमल भैया हमारे साथ है। कमल भैया थैंक यू, आपने बड़ा बढ़िया फिट किया, और पप्पू भाई का स्पेशली, उन्होंने जिस तरह से ये अंदर किया, आपको बताया आपने आपने पहले नहीं देखी थी इसमें, मैंने ट्यूब वाली लगवा रखी थी। अच्छा, क्योंकि मैं पहले भोपाल में पाइप वाली, हाँ पाइप वाली आती थी वो लगा रखा था, तो वो बड़ा ही खराब फिनिश, आपको बहुत अलग फील आ गई होगी, बहुत अलग फील आ गई। तो ये था, और इसमें मैंने 10 पीस वाला लगवाया है, नीचे वो लगवाया, दो में लगी है आपकी, चार दरवाजों में स्ट्रिप लगी है, दो पैरों पे आगे लगी है, दो दिन का टाइम है, दो आपकी लगी पीछे, दोनों सीट के नीचे लगी हुई है। इतना पर्याप्त लगता है मेरे को, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा जब हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू कमल भैया, थैंक यू, बाकी कोई भी दिक्कत लगे कुछ भी लगे आपको भी आ जाना। तो इसमें कुछ वारंटी वारंटी मिलेगी कमल भैया? 6 मंथ वारंटी दे देंगे। अच्छा, इसमें अगर कोई सिंगल गड़बड़ हो जाता है तो सिंगल पीस भी चेंज हो जाता है? कुछ भी चीज होगा सब मिल जाएगा। चलो ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भाई एम्बिएंट लाइटिंग का तो काम हो गया, चलते हैं CP में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, और कुछ काम है, बट पहले ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट, और चल रहे हैं CP के इनर सर्कल।
तो भाई मेरा तो डोसा आ गया कोक के साथ, और मन्नू भैया हेवी पे हेवी ले रहा है छोले भटूरे और बादाम शेक। भाई दिन में तो एम्बियंट लाइट फिट करवा ली थी, आपको दिखाया था कि दिन में कितनी रोशनी रहती है, अब रात में ज़रा देखते हैं कि किस तरह से अंदर से अब ये दिखती है। एम्बियंट लाइट फिक्स होने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये मैंने कार को ऑन कर दिया है, ये देखिए इस तरह से मल्टी कलर का पहले इसमें शेड आता है, और उसके बाद क्योंकि मैंने इसमें रेड सेलेक्ट कर रखा है, मोबाइल में ऐप होता है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके पहले इसमें ट्यूब वाली लाइट लगी थी, जिसमें क्या होता था कि इवन लाइट नहीं रहती थी, बीच में कहीं तेज़ रहती थी, स्पेशली जो कॉर्नर्स होते थे जैसे यहाँ से शुरू हुई है यहाँ तक गई है तो वहाँ तेज़ रहती थी, बीच में लाइट डिम रहती थी। ये मैंने आपको अभी दिखाया कि इसको मैंने ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम से लगवाया है, और इसकी प्राइस की भी अगर हम बात करें तो ये 7,000 रुपये में मुझे 10 पीस की एम्बियंट लाइटिंग लगा के उन्होंने दिया है, और फिटिंग एंड फिनिश जो है बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर मैं ये अंदर की लाइट ऑन करके आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं लगता और ये अंदर चला गया है। पहले पाइप वाले में तो ऊपर रहता था जिसके कारण ये लगता था कि हाथ लगेगा तो ये निकल जाएगा, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये 10 पीस ऐसे है कि दो दरवाजों पर दोनों तरफ, दो पीस यहाँ पे और चार इस तरह की लाइट नीचे दी गई है। मैं पीछे की तरफ भी आपको जाके दिखाता हूँ कि पीछे से ये कैसी लगती है, और पीछे से जब आप बैठेंगे तो आपको कुछ इस तरह का लुक आएगा, नीचे दोनों सीट्स के इस तरह से दिख रही है, आगे का जो पूरा लुक है वो आपको ऐसा नज़र आएगा। मतलब ये इतनी विजिबल है कि आपको दिन में भी इसकी जो लाइटिंग है वो काफ़ी शानदार लगेगी, और रात में तो बाहर से भी अगर कोई देखता है इसको तो ये काफ़ी अच्छा जो इसका लुक है वो आता है। तो दोस्तों ये जो एम्बियंट लाइटिंग है ये मैंने आपको ब्रांड भी दिखा दिया किस ब्रांड का है, प्राइस भी बता दी, और अगर आपको इसको लगवाना होगा तो इसमें नंबर भी मैं दे दूंगा, करोल बाग में आप ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम में जाके इसको लगवा सकते हैं। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो कारीगर होते हैं जो फिटिंग करते हैं उनको पता है कि इसको कैसे खोलना है, किन पार्ट्स को खोलना है। जनरली क्या होता है कुछ लोग खोलने में ही इसको तोड़ ओड़ देते हैं क्लिप्स विलिप्स, लेकिन उस तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं रहा, काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश, और जो इसका लुक एंड फील है वो काफ़ी शानदार अब दिखने लगा है। तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ मैं अपनी कार में करवाने वाला हूँ अपडेट, और एक बड़ा टूर प्लान कर रहा हूँ वो भी, उसका भी आपको अपडेट मैं दूंगा। तो आप ऑटो ट्यूब इंडिया को देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटो ट्यूब इंडिया।